I can't tell you what a drink is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a still night. कुछ दूर जाने के बाद पार्किंग मिलेगी। मगरमच्छ को रखा जाता था जिससे कोई दुश्मन जैसे सिक्योरिटी वाले बड़े पत्थर उड़का दिए जाते थे। तो भाई आज हम लोग निकले हैं आगरा फोर्ट के लिए और यहाँ पहुँचने में पता चला कि आगरा फोर्ट के पास पार्किंग नहीं है, तो आपको कुछ दूर जाने के बाद पार्किंग मिलेगी। जहाँ अपने व्हीकल को पार्क किया वहाँ से आगरा फोर्ट की नज़ारा दिखती है और ये आप देख सकते हैं आगरा फोर्ट को। और ये है आगरा फोर्ट की मेन गेट जहाँ से लोग एंटर करते हैं। ऐसा बोला जाता है ये जो आपको खाली जगह दिख रही है यहाँ पर पानी हुआ करती थी और उस पानी में मगरमच्छ को रखा जाता था जिससे कोई दुश्मन आसानी से अंदर आ ना सके। और भाई इस दीवार के पीछे शेर को रखा जाता था। सर चेकिंग होगा टिकट, जेंट्स लेफ्ट साइड चलेंगे, लेडीज यहाँ से राइट साइड चलेंगे। जो फर्स्ट आपका वेलकम है, इस फोर्ट को थर्ड मुगल एम्परर अकबर ने स्टार्ट किया था 1565 में और 1660 में ये पूरा फोर्ट कंप्लीट हुआ 95 इयर्स में, जनरेशन बाय जनरेशन। फर्स्ट अकबर, सेकंड जहांगीर, थर्ड शाहजहां, फोर्थ औरंगजेब। औरंगजेब के समय में ये पूरा किला जो है वो कंप्लीट हुआ। किले के चारों साइड में दो खाई बनाई गई, बाहर वाली पानी वाली जिसमें मगरमच्छ रखे जाते थे, अंदर शेर चीते। ये सिक्योरिटी के लिए होता था जिससे कोई भी दुश्मन अंदर नहीं घुस सके। मेन गेट जहाँ से आपने एंट्री किया वो पहला गेट था अमर सिंह गेट। अमर सिंह राठौर का यहाँ पे मर्डर कर दिया गया इसलिए गेट का नाम अमर सिंह गेट रखा गया। बाहर एक लकड़ी का ब्रिज लगा, देख रहे जो लोग खड़े थे, ये ब्रिज पहले 35 फीट लंबा होता था, अंग्रेजी पीरियड में से काट के छोटा कर दिया गया, अब इसका यूज नहीं है। जब ये ड्रॉब्रिज लिफ्ट होता था हाथियों की हेल्प से तो ये पूरा बिल्डिंग जो पूरा मोड जो है वो ओपन हो जाता था, कोई भी बिल्डिंग के अंदर में फोर्ट के अंदर में नहीं घुस सकता था। सेकेंड गेट इट कॉल अकबरी दरवाजा, वॉल में जो होल्स बने हुए दैट ऑल, यहाँ से गर्म तेल और गर्म पानी डाला जाता था जिससे दुश्मन कोई भी क्लाइम करके ऊपर चढ़ के नहीं आ सके। इस फोर्ट के मेन आर्किटेक्चर थे मोहम्मद कासिम खान फ्रॉम ईरान एंड दैट टाइम जो फोर्ट का कॉस्ट आया जस्ट 35 लाख। ये वेलकम गेट है, किसी रॉयल गेट, रॉयल फैमिली जब यहाँ से अंदर आते थे ऊपर से फ्लावर्स डाले जाते थे और ये जो बालकनी बना है चारों साइड में यहाँ पर लेडीज डांस करती थी, दोनों साइड में बिग ड्रम्स बजाए जाते थे निगाड़े, वेलकम ड्रम। तीन गेट बनाया गया इसके अंदर जाने के लिए, तीनों एक लाइन में नहीं है, ऐसा zigzag बनाया गया सिक्योरिटी रीजन जिससे दुश्मन फास्टली और फोर्स से ना निकल सके, अगर रास्ता स्ट्रेट होगा तो दुश्मन फास्टली घुस जाएगा इसलिए इसको zigzag बनाया गया। किले के तीन गेट बनाया गया आउटसाइड, अमर सिंह गेट, दिल्ली गेट एंड वाटर गेट। तीनों गेट अलग अलग यूज होता था। वाटर गेट दैट टाइम वाटर सप्लाई सिस्टम होता था, पानी का जो है ना वो वहाँ से होता था इसलिए उसे पानी दरवाजा बोलते हैं। दिल्ली गेट जिसे आर्मी यूज करता अपनी आर्मी, अभी दैट टाइम उसे मुगल सेना यूज करती थी, जो सेना के घुसने के लिए जगह जो गेट होता था वो दिल्ली गेट। थर्ड गेट दिस इज अमर सिंह गेट, यहीं से रॉयल फैमिली महल के अंदर में एंट्रेंस करते थे।
फोर्ट को टू पार्ट में बिल्ड किया गया, 75% और 25%। 25% मुगल्स ने अपने रॉयल पैलेस बनाया रेसिडेंस, और 75% मुगल ने अपना आर्मी बेस बनाया। हम लोग जो विजिट करेंगे वो भी 25% पैलेस पार्ट, 75% जो मुगल यूज करती थी आर्मी उनकी, वो अभी अपनी इंडियन आर्मी के अंदर। अरबी घोड़े जो दुनिया के सबसे फास्ट और सुंदर घोड़े होते हैं, इस रैम को बनाने के बजाय यहाँ स्टेप यूज कर सकते थे, बट स्टेप इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि स्टेप के ऊपर में एलिफेंट कंफर्टेबली नहीं चल सकते हैं, रैम के ऊपर में वो इजीली चल सकते हैं। टेक्निकली रैम 30 डिग्री एंगल में बनाया गया। 30 डिग्री क्या है कि कितना भी ऊंचा चढ़ाई हो कंफर्टेबली चला जा सकता है। सीधे देखो, दिस इज सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम दैट टाइम क्लब बजा के शोल्डर्स को अलर्ट किया जाता था, और इन केस अगर कोई दुश्मन अंदर आ जाता यहां तलक, तो ऊपर से बड़े बड़े पत्थर उड़का दिए जाते थे, हैवी स्टोन्स, और दीवारों में से गरम तेल और गरम पानी। जमाने में जो मुगल का जो कैपिटल था वो दिल्ली लाल किला था, औरंगजेब के बाद में दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर लिया था। यहाँ से हम लोग अंदर चलेंगे महल के लिए, पूरा महल घूम के यहाँ से हम लोग एग्जिट करेंगे। ये है नौबत खाना गेट, म्यूजिकल गैलरी गेट। ये वाला पार्ट 75% है, बिहाइंड पार्ट पीछे वाला। अच्छा फोटो खींचता, बस अब आप पूरा कैमरा आप ही को देना पड़ेगा हम लगता है। रिकॉर्डिंग भैया कर रहे हैं। ये बात जब राजा मानसिंह ने गिफ्ट किया था जहांगीर को, राजा मानसिंह जयपुर किंग, वन सिंगल पीस स्टोन में बनाया, जैसे येलो ग्रेनाइट। स्पेशलिटीज ये मोबाइल बाथटब है, इसको एलिफेंट के हेल्प से कहीं पर भी बादशाह ले जा सकते थे।